हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने द मैट्रिक्स इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था और मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ये पढ़ा था हमने। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वो है द मैट्रिक्स इक्वेशन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होती है? गिवन अ मैट्रिक्स, बेसिकली हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है जो कि गिवन होता है। गिवन मैट्रिक्स ए बिलोंग्स टू एम क्रॉस एन का एक मैट्रिक्स है एंड अ वेक्टर बी बिलोंग्स टू आर एन। फाइंड इफ पॉसिबल अ वेक्टर एक्स बिलोंग्स टू आर एन सच दैट ए एक्स बराबर बी। यानी कि हमारे पास अगर ऐसा एक वेक्टर मिल जाए एक्स जिसके लिए ए एक्स बराबर बी हो, तो उस कंडीशन में एक्स वेक्टर जो होता है वो इसका सॉल्यूशन कहलाता है। ये क्वेश्चन स्टार इज अ मैट्रिक्स क्वेश्चन वेयर द अननोन वेरिएबल एक्स इफ यू इज अ वेक्टर सच दैट, सपोज कि एक वेक्टर वेक्टर है यू सच दैट ए यू बराबर बी, देन बी से दैट यू इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ए एक्स बराबर बी। अब एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि ये हमारे पास ये एग्जाम्पल है ए बराबर 1100 बी बराबर -37। डज द इक्वेशन ए एक्स बराबर बी हैव सॉल्यूशन? तो इसको सॉल्व करने के लिए वेल फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एक्स वन एक्स टू बी हैव, अगर ए एक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा एक्स वन एंड एक्स टू, जो कि किसके इक्वल आना चाहिए था -3 एंड 7 के। यानी तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक्स एक्स वन बराबर -3 हो एक्स एक्स वन बराबर 7 हो, दोनों की एक अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए थी। तो यहाँ से हम सॉरी हाँ तो एक्स वन की वैल्यू अलग अलग है, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि इसका कोई सॉल्यूशन होगा, यानी ये इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ए एक्स बराबर बी का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास कई बार ऐसे वेक्टर भी मिल सकते हैं जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो। टू फाइंड अ वेक्टर एक्स बिलोंग्स टू आर एन दैट सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन ए एक्स बराबर बी, बी सॉल्व द लीनियर सिस्टम हुज आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है ए एंड बी और वी वन बी टू डॉट डॉट वी एन बी, इस तरह से आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होता है। और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं इसकी टेक्निक्स हम अपने प्रीवियस वीडियो में, जो कि स्टार्टिंग की वीडियो थी, उसमें हमने पढ़ा था। बेसिकली हमारे पास जब हम ए एक्स बराबर बी का जो मल्टीप्लाई किया जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, तो इस तरह की एक इक्वेशन बन जाती है जो कि हमारे पास एम जिसमें इक्वेशंस होती हैं एंड एन अननोन्स होते हैं। तो इन इक्वेशन की हेल्प से जब हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि ए मैट्रिक्स और साथ में बी की एंट्रीज, तो इस मैट्रिक्स की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी थ्योरम में हमारे पास लेट ए बिलोंग्स टू एम क्रॉस एन एंड बी बिलोंग्स टू आर एम, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट, जब ये स्टेटमेंट जो होंगे इक्विवेलेंट होंगे। द इक्वेशन ए एक्स बराबर बी, ए एक्स बराबर बी हैज अ सॉल्यूशन, अगर ए एक्स बराबर बी सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये भी हुआ कि द वेक्टर बी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉलम ऑफ ए, यानी जो बी वेक्टर जो होगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा जो कि ए के कॉलम्स का होगा। और सी जो है द लीनियर सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाई द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी जो है वो कंसिस्टेंट है। तो ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ए बी मैट्रिक्स कंसिस्टेंट कब कहलाता है और कब नॉन कंसिस्टेंट कहलाता है। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सॉल्व इफ पॉसिबल द मैट्रिक्स इक्वेशन ए एक्स बराबर बी इफ ए बराबर ये है और बी बराबर ये है, इसका कोई सॉल्यूशन है अगर X1, X2 एंड X3 कुछ ऐसे हैं हमारे पास, तो वो हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले क्या करने हैं, आर्गुमेंटरी मैट्रिक्स बनाते हैं, जिसमें आर्गुमेंटरी मैट्रिक्स पहले तो ए की एंट्रीज होंगी, ये ए की एंट्रीज हो गई, इसके बाद बी की एंट्रीज, ये बी की एंट्रीज हो गई हमारे पास। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरह से करेंगे, हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि सॉल्व करने के लिए हमें कोशिश करनी है यहाँ पे जीरो बने, यहाँ पे जीरो बने, यहाँ पे जीरो बने, और यहाँ पे हमारे पास एंट्रीज हो सकती है या ट्राई टू कि वन बन जाए, एंट्रीज है फिर तो कोई फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सॉल्व कर सकते हैं बैकवर्ड फॉर्म से, और अगर यहाँ पे वन बन जाता है तब भी हम बैकवर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो रो रिडक्शंस की हेल्प से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे हमारे पास इसको जब हम मैट्रिक्स को इसके मैट्रिक्स से इक्विवेलेंट मैट्रिक्स एंड रो रिडक्शंस की हेल्प से जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वहाँ से इस तरह से हम ये मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। अब ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो ये में ऑर्डर क्या है इसका 3 क्रॉस 4, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जीरो है, बट ये जो है इसकी जो अगर हम बात करें रैंक की,
रैंक क्या है हमारे पास, रैंक इसकी है हमारे पास थ्री, रैंक थ्री है हमारे पास। तो इस कंडीशन हम कह सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है वो नॉन कंसिस्टेंट है। ये कंसिस्टेंट कब होता, अब अगर यहाँ पे अगर हमारे पास जीरो होता और यहाँ नॉन जीरो होता तो हमारे पास मैट्रिक्स जो होता इनकंसिस्टेंट होता, या फिर ऐसा होता हमारे पास कि यहाँ पे भी जीरो है और यहाँ पे भी जीरो है तो उस कंडीशन में तो कंसिस्टेंट है और उससे एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस होंगे। बट अगर जैसे कई बार भी अगर हमारे पास ऐसा लगे कि सॉल्यूशन उससे नहीं निकल सकते बेसिकली, तो उस कंडीशन में कहेंगे जो जो मैट्रिक्स है वो इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ से देख सकते हैं हेयर आर बराबर रैंक ए बराबर जो है वो थ्री है एंड देयर फोर डी बराबर जीरो, सो नो फ्री पैरामीटर, कोई पैरामीटर फ्री नहीं है। परफॉर्मिंग बैक सब्स्टिट्यूशन, बैक सब्स्टिट्यूशन किस तरह से परफॉर्म करते हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, इस वीडियो में भी देख लेते हैं। बेसिकली ये मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 -4 एंड 0 1 3 एंड 0 0 -12 और ये हमारे पास x1 x2 x3। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास सबसे इस टर्म से आएगा जो आएगा वो आएगा हमारे पास x1 + 3 x2 - 4 x3 और यहाँ से आएगा हमारे पास x2 + 3 x3 और यहाँ से आएगा -12 x3 और ये इक्वल टू बी यानी ये वाला टर्म, जो ये वाला टर्म है हमारे पास -2 3 एंड 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 एंड ये आ जाएगा 3 एंड 0। तो यहाँ से अगर देखें तो x3 बराबर क्या आ गया, 0, x3 बराबर 0 यहाँ पुट करेंगे तो x2 बराबर 3 आ जाएगा। अब x3 बराबर 0 x2 बराबर 3 यहाँ पुट करेंगे तो x1 बराबर आ जाएगा -11। तो x बराबर जो आ गया हमारे पास जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन मैट्रिक्स है वो है -11 3 एंड 0। तो ये हो गया, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए बेसिकली जो ए और एक्स जो मैट्रिक्स था, ए जो मैट्रिक्स था ये एंड इसका मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन किया तो हमारे पास जो बी वाली टर्म थी यानी इसका मल्टीप्लीकेशन जैसे पहले बता चुका हूँ ये इस तरह से इसका मल्टीप्लाई इस कॉलम से होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ये हो जाएगा यानी कि ये मैट्रिक्स, तो ये हो जाएंगे हमारे पास। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमें दोनों को मल्टीप्लाई किया ऐड किया तो -2 4 एंड 12, अब बेसिकली ये बी के इक्वल है, तो ये -2 4 12 जो है बी के इक्वल है। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। अब फिर से ये एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसी तरह से हमें यहाँ पे भी देखना है एक्स बराबर बी का कोई सॉल्यूशन है या नहीं। तो ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, ये हमारे पास आर्गुमेंटरी मैट्रिक्स बनाया हमने, ए की एंट्री बी की एंट्री सॉल्व किया, सॉल्व करने पे हमने पाया कि ये तो दोनों जीरो हो चुके हैं लेकिन ये -10 है, तो ये हमारे पास इनकंसिस्टेंट मैट्रिक्स है। तो इनकंसिस्टेंट की फॉर्म में इसका नो सॉल्यूशन, इसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। अब फिर से अगर इस एग्जांपल में देखें तो सॉल्व करने के लिए एक्स बराबर बी को अगर हम सॉल्व करना है तो ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, तो ये हमारे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बन गया है, इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जीरो है ऑलरेडी, हमें और जीरो बनाने नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो नॉन जीरो नंबर्स हैं और ये हमारे पास 2 का रैंक जो है इसकी 2 है, तो इसका पैरामीटर से अगर फ्री वेरी पैरामीटर की बात करें तो इसे 3 जो है इसके टोटल कॉलम में 3 माइनस, अगर हम 2 इसके रैंक को माइनस कर दें तो यह आ जाएगा हमारे पास 1, यानी 1 जो है वो फ्री पैरामीटर है, उसको हम कुछ टर्म ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे इस इक्वेशन के लिए 3 ये था हमारे पास 3x2, नीचे वाली टर्म से 3x2 + 6x3 = -1 ये आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमने x3 बराबर कुछ पुट कर लिया, x3 बराबर t पुट कर लिया, तो x2 बराबर आ गया और x2 की वैल्यू जब हमने इस इक्वेशन से बन बन की जो आएगी उसमें पुट की तो हमारे पास x1 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसकी t की अलग अलग वैल्यू के लिए इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में t के इस तरह से इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशन भी हम इजीली निकाल सकते हैं, जब भी हमारे पास कोई फ्री पैरामीटर मिल जाए तो उस कंडीशन में हमारे पास उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। फ्रेंड्स ये मैं एक एग्जांपल सिर्फ दिखा रहा हूँ, ये एग्जांपल है इज द वेक्टर बी इज स्पेन ऑफ v1 v2, बेसिकली इसको हमें यही चेक करना है कि v1 और v2 यानी x v1 + x v2 = b की फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं। अगर ऐसे x1 और x2 सॉल्यूशन मिल जाते हैं तो उस कंडीशन में हम कहेंगे जो b जो है वो b